हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली दो वीडियोस एक वीडियोस लेके आता हूँ जिससे कि आपका कुछ अर्निंग हो सके। आजकल मैं शॉर्ट वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिले। मेरा व्यूज़ के बारे में बताना चाह रहे कि व्यूज़ बहुत ही कम है फ्रेंड्स। जब तक यहाँ पे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ नहीं आएगा तब तक अर्निंग नहीं होगा। और मैं आपको शॉर्ट वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2-4 शॉर्ट वीडियो बनाने से फ्रेंड्स आपका व्यूज़ भी थोड़ा बढ़ता है, प्लस आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ता है। तो इसमें से 2-4 वीडियो है जो कि शॉर्ट वीडियो है। तो देख रहे हैं, ये एक शॉर्ट वीडियो है। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए क्रिएट किया है फॉर्म फिलिंग फ्रॉड और MS ऑफिस का वीडियो, तो देख सकते हैं। तो मेरा लगता है कुछ इशू हो रहा है, तो चलिए चलते हैं आगे। हम आपको बताने वाले हैं आज हिंदी टाइपिंग के रिलेटेड एक वीडियो बनाया है मैंने, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हिंदी टाइपिंग करना जो है वो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना होगा। और जो कहाँ पे कौन सा अक्षर है वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आपको बस डेली प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आप एक रो का भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से बहुत सारा वर्ड बनता है। जैसे किसी में क मिलता है, किसी में ख मिलता है, किसी में हर्षिकार दीर्घिकार, तो उसी से आप एक दो वर्ड बना के, एक ही लाइन में वर्ड बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस जब होते जाएगा तो आपको बहुत कुछ और आगे जानने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, इसी टाइप का हिंदी कुर्ती देव फॉन्ट है, कीबोर्ड में इसी तरह से दिखता है। जब ऊपर वाला QWERT को आप प्रेस करेंगे तो F आएगा, M आएगा, तो आएगा। जब आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सब सारा का सारा चीज़ आधा हो जाएगा, आधा F हो जाएगा, आधा M हो जाएगा। और जो 1, 2, 3, 4 का जो है हम लोग का फंक्शन की जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा वर्ड बनता है। जैसे द दिख रहा है, री दिख रहा है, त्र दिख रहा है, तो ये सब बनता है सारा का सारा वर्ड। तो सारा का सारा वर्ड का आप ट्राई प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें फॉन्ट अच्छा दिख रहा होगा ये सब आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद कुर्ती देव फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए। और तो किसी में अ आ भी आता है फ्रेंड्स। जीनियस कंप्यूटर एकेडमी का ये मैंने एक डाउनलोड किया था गूगल से। तो देवनागरी है रेमिंगटन यूनिकोड कीबोर्ड और देवनागरी इंस्क्रिप्ट यूनिकोड। तो देखिए, एक में ओ आ भी है, ओ आ ई भी है, और एक में क ख ग घ है। तो सारा का सारा चीज़ आपको यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हिंदी जो है, हिंदी का यूज़ जो हिंदी टाइपिंग और ये सब का यूज़ ज़्यादातर कोर्ट और सरकारी दफ्तर में होता है। आप खुद एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे तो आपको खुद का भी काम स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन और वो जो होता है वो हिंदी में ही होता है, तो वो आप करके या इजीली प्रैक्टिस करके आप अच्छा टाइपिंग करने लग सकते हैं। ऐसे तो अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाता है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे भी आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो ये सब का प्रैक्टिस करके डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश तो और भी ईजी है, बिकॉज इंग्लिश का सारा वर्ड और अक्षर जो होता है A to Z 26 वर्ड होता है, तो बस उसी को टाइप करना है, देख के टाइप करना है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे आधा द रेफ हर्षिकार दीर्घिकार सारा का सारा चीज़ यूज़ करना पड़ता है। और आप इसको देख सकते हैं जो जो आप टाइप करेंगे, ये मैंने MS वर्ड खोल लिया है और ASDFGH से जो जो बनता है अक्षर वो अक्षर में साइड साइड में लिख रहा हूँ। जिसको जिसको तो जो आपका सबसे लिटिल फिंगर होता है उसको उसका 2 बार यूज़ होता है, और जो भी और दूसरा जो वर्ड ये होता है रिंग फिंगर होता है उसका 1 बार यूज़ होता है। तो इसी तरह से बहुत सारा
आपको चीज़ सीखने मिलेगा। जैसे इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हैं, फिर रिंग फिंगर आता है, फिर मिडिल फिंगर आता है, फिर साइड फिंगर आता है, और जो थंब का यूज़ करते हैं वो स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें भी थंब का यूज़ होगा, थंब का यूज़ ऐसा नहीं है कि थंब का यूज़ नहीं होगा, थंब का यूज़ होगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका और भी अच्छा से, मेन है कि इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हिंदी हिंदी का पूरा टाइप पे कमांड करने के लिए। और इंग्लिश में है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो उसमें बहुत इजी पड़ता है। ASDFGH स्पेस सेमी कोलन LKJH QWERT, बस इतना ही रहता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहे थे। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।